दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस में। साथियों, आपका आज नेवी चार्जमैन का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग थर्ड करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप लोगों का नेवी चार्जमैन का पेड कोर्स को लॉन्च कर दिया गया दोस्तों, जिसकी प्राइस 199 रुपये है। बता दें दोस्तों, उसमें आपको जो है 1200 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र प्लस अन्य एग्जाम में जो आपके पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेड से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन उसमें सम्मिलित किए गए दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके हिंदी भाषा में है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आगे दोस्तों जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, जहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन दोस्तों और जो भी आपके इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। चलिए, इसका दोस्तों ग्रुप का लिंक दोस्तों नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर ग्रुप से जुड़ जाइए। ताकि आप कोर्स को परचेज करें ना करें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन जिन साथियों ने दोस्तों परचेज किया उनसे आप बात कर सकते हैं कितना बेहतरीन कोर्स है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज अपने थर्ड प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है मेरे भाई, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स आर बीइंग ट्रेन इन लीडरशिप स्किल एट द IIM अहमदाबाद फ्रॉम IIM अहमदाबाद फ्रॉम 15 to 24 July। अब देखिए यहाँ पर सबसे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दोस्तों, उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है। आप सभी साथी, जितने साथी हमारे दोस्तों जुड़े हुए हैं, वो खूब अच्छे से यहाँ चीज़ों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे दोस्तों आप लोग यहां पर चीजों को देखोगे तो आपको क्या दिया हुआ है, देखिए वाक्य में अगर हम लोग बात करें, जो आपको ये सेंटेंस दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा कैसा है, आप लोग यहां देखिएगा, पूरा का पूरा जो सेंटेंस आर बीइंग, आप लोग यहां पर देख के आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारा यहां दोस्तों। यहां अगर बात करें इसके पैसिव वॉइस में, अगर दोस्तों बात करें इसका जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है दोस्तों, वो किसमें है, पैसिव वॉइस में। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये किसमें है, पैसिव वॉइस में। अतः दोस्तों अगर हम लोग बात करें, आर बीइंग ट्रेंड होगा, आर बीइंग दोस्तों ट्रेन ना होकर क्या होगा, आर बीइंग ट्रेनिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखो आर बीइंग क्या हो जाएगा, ट्रेनिंग। आपको पता दोस्तों, जब हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दोस्तों, तो क्या होता है, आर बीइंग ट्रेंड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, आप लोग जानते होंगे पैसिव में। दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को चीज़ें बेहतर तरीके से आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। दोस्तों यहाँ पर हमको बताना है इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ही स्टॉप्ड कॉपिंग व्हेन द एग्जामिनर वार्म हिम। आप लोग देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें, देखिए अगर यहाँ पर बात करें, ही स्टॉप्ड कॉपिंग व्हेन द एग्जामिनर वार्म हिम। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों पूरे सेंटेंस में, अगर पूरे सेंटेंस में बात करें दोस्तों, जो आपका काम हो रहा है दोस्तों, कब कब हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। आपका दोस्तों जो वर्क हो रहा है वो कब हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, यानी पास्ट के वर्क को दिखाया गया। अतः दोस्तों जो हमको लिखा गया है वार्म हिम, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या लिखा गया है, वार्म हिम, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है वार्म हिम का यूज किया जाना चाहिए। दोस्तों क्या होना चाहिए, वार्म हिम का दोस्तों यूज होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी जो आपको दोस्तों यहाँ पर दिया है वार्म हिम। दोस्तों वार्म हिम की जगह दोस्तों क्या हो जाइए, वार्म हिम, यानी दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, WARMED, वार्म हिम का दोस्तों यूज होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्या आपका लिखा हुआ है वार्म हिम, यानी आपका यहाँ पर वार्म हिम ये लिखा हुआ दोस्तों। जी हाँ, देखिए आप लोग यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये हमारा पहला ऑप्शन राइट होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गलती से देखिए ये टाइप राइटर की का एरर दोस्तों वो कर देता है, उसको मैं आज समझाऊंगा। ये आपका ईडी होगा, यानी वार्म हिम होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको बता दिया, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा वार्म हिम। दोस्तों ये PDF जो आपको मिलेगी उसमें दोस्तों ठीक होकर मिलेगा, मैं कोशिश करूँगा उसे ठीक करवा के दूँ दोस्तों, कल से आपकी कोई गलती नहीं होगी, इसको मैं ध्यान रख पाऊंगा उसे, ठीक है। आज मैं PDF वाले को बोलता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों देखिए आपको सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम बना दोस्तों आपको दिया है हजार्डुअस। देखिए हजार्डुअस का मतलब क्या होता है, सभी भाई करिएगा दोस्तों, हजार्डुअस मतलब होता है जोखिम भरा। देखिए क्या होता है दोस्तों, जोखिम भरा, जोखिम भरा। देखिए दोस्तों एक दो दिन आप एडजस्ट कर लीजिए दोस्तों, कल परसों से आपकी क्लासेस लैपटॉप पे होने लगेंगी, चिंता ना करिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों जोखिम भरा दोस्तों, या फिर बात करें हम लोग डेंजरस, जोखिम भरा या फिर डेंजरस दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पर देखिए सर्टेन, सर्टेन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, निश्चित। सर्टेन का मतलब क्या होता है, निश्चित। अगर बात करें दोस्तों
सिक्योर का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुरक्षित करना। सिक्योर का मतलब क्या होता है? सुरक्षित करना। ध्यान रखिएगा, सिक्योर का मतलब क्या हो जाएगा? सुरक्षित करना। बल्कि, बल्कि का मतलब दोस्तों क्या होता है? भारी। याद रखिएगा, बल्कि का मतलब क्या होता है मेरे भाई? भारी। और रिस्की, रिस्की की बात करें दोस्तों, रास का होता है रिस्की मतलब जोखिम भरा। आप लोग जानते होंगे रिस्की का मतलब क्या होता है, रिस्की का मतलब जोखिम भरा। ये दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपको सिनोनिम बताना है दोस्तों। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हमारा रिस्की हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को चीजें बेहतर तरीके से आ रही होंगी। नेक्स्ट देखिए, आपको दिया आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। दोस्तों यहां पर आपको बताना है किसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, सी यूज टू रीच डांस इन आ स्कूल डिड सी। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो हमको जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में दोस्तों अगर हम लोग बात करें, इसका जो मेन वाक्यांश है दोस्तों, अगर मेन सेंटेंस की बात करें दोस्तों, ये हमारा पॉजिटिव है। यानी क्या है दोस्तों? पॉजिटिव है। और जब इसका दोस्तों क्वेश्चन टैग बनाएंगे, यानी इसके दोस्तों हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो वो हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा दोस्तों? निगेटिव होगा। यानी दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पर आपको दिया है डिड सी। देखिए क्या दिया है, डिड सी दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? डिडेंट सी। क्या हो जाएगा? डिडेंट सी। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? डिडेंट सी। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए, ठीक है। यहां पर क्या होगा? डिडेंट सी का यूज उपयुक्त है। डिडेंट सी दोस्तों हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा। जहां पर दोस्तों यहीं पर हमारा डिड जो सी लिखा है, यहां पर डिडेंट सी होना चाहिए, डिडेंट होना चाहिए था। ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों हमारा एरर था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखो हमको क्या दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमको दिया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों जो वर्ड हमको दिया दोस्तों, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना दोस्तों। देखिए रिमोट, रिमोट का मतलब क्या होता है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, रिमोट का अर्थ क्या होता है? दोस्तों रिमोट का मतलब होता है दोस्तों सुदूर। क्या होता है? सुदूर, या दोस्तों दूरस्थ। सुदूर या फिर हमारा क्या हो जाएगा? दूरस्थ, जो दूर स्थित हो। अब दोस्तों इसका अगर हम लोग एंटोनिम की बात करें दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा? क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है? हमारा पास। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अननोन मतलब जिसको दोस्तों हम लोग जानते हैं, जिससे हम लोग परिचित ना हो। सीक्रेट मतलब दोस्तों जिसको हम लोग छुपा के रखे हैं, जो गुप्त रखा जाए। अनलाइकली मतलब दोस्तों जिसको हम पसंद ना करते, जिसको हम जानते ना हो, या जो हमारे लिए उपयुक्त ना हो, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों अगला क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। देखो आपका दिया है लाउड मत। आपको बता दो, लाउड मत का यूज दोस्तों ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अपमानजनक यूँ बेअदबी से बात करना। दोस्तों जो व्यक्ति बदतमीजी से या बेअदबी से बात करता है, उसके लिए दोस्तों लाउड मत, यानी बेअदबी से बात करने वाला, यानी जिसको दोस्तों बात करने की तमीज ना हो, ऐसा आप बोल सकते हो, बेअदबी से बात करने वाला, उसके लिए दोस्तों इसका यूज होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वन हु टॉक्स वेल, दोस्तों जो अच्छी बातचीत करता है, बिल्कुल नहीं होगा हमारा, नहीं तो ठीक है। वन हु टॉक्स बस्टफुली, दोस्तों जो खराब बातचीत करता हो, जिसको बातचीत करने की तमीज ना हो। वन हु स्पीक्स क्लमी, जो शांति से बात करता हो, ये भी नहीं हो। वन हु स्पीक्स नर्वसली, दोस्तों जो क्या हो, नर्वस तरीके से बात करता हो, दोस्तों हमारा ये भी राइट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को चीज़ें बेहतर तरीके से आ रही होंगी। नेक्स्ट देखिए, हमारा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों आपको दिया है नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? उपेक्षा करना। नेगलेक्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? उपेक्षा करना। ध्यान रखिएगा आप लोग, नेगलेक्ट का मतलब क्या होता है? उपेक्षा करना। अब देखिए टेस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है? स्वाद। केयर मतलब किसी की देखभाल करना, किसी की जो है देखभाल करना। विश मतलब दोस्तों कोई इच्छा रखना, क्या रखना? कोई विश। मॉक मतलब देखिए क्या होता है, आप लोग बताएंगे दोस्तों। मॉक का मतलब दोस्तों क्या होता है? जैसे हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा मॉक टेस्ट, आप लोग आते हैं। मॉक मतलब दोस्तों क्या? अभ्यास करना, किसी को, चीज़ को देखना। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट मतलब उपेक्षा करना दोस्तों, तो केयर करना हमारा क्या हो जाएगा? किसी को ध्यान देना। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को चीज़ें बेहतर तरीके से आ रही होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक। देखिए हमको फिल इन द ब्लैंक में क्या दिया है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को क्या करना? फिल करना। वाई नॉट गिव हिम अ फ्री हैंड कंडक्ट हिज बिजनेस। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वाक में दोस्तों, बात करें प्रीपोजिशन टू का यूज उपयुक्त है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो दिया है दोस्तों, इसमें अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दोस्तों, प्रीपोजिशन टू का यूज होगा। ऐसा क्यों होगा दोस्तों? अगर हम बात करें, क्योंकि दोस्तों वर्ब के साथ, देखिए अगर बात करें दोस्तों, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर, आप लोग को मैं थोड़ा हिंदी में लिखा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर क्या होगा? बिकॉज दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि वर्ब के साथ, यानी वर्ब के साथ दोस्तों यूज करने के लिए दोस्तों, वर्ब के साथ टू प्लस वी वन, यानी ऐसे बात करते हो
टू प्लस वी वन। दोस्तों ये हमारा क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, ये हमारा क्या होता है यानी इन्फिनेटिव होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होता है, जब हम टू का यूज करेंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या बनेगा, इन्फिनेटिव बनेगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टू का यूज करेंगे दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को चीज़ें बेहतर तरीके से आ रही होंगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम लोग, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। आई हैव लॉस्ट माई स्कूल डायरी, आई कैंट फाइंड इन नाउवेयर, ठीक है, नोवेयर, ठीक है। आपका यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर अप्रोप्रिएट सेगमेंट बताना है दोस्तों। सभी साथी इसको अच्छे से देखेंगे, मैं बताऊँ आपको दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा नाउवेयर क्या होता है दोस्तों, आई लॉस्ट माई स्कूल डायरी, आई कैन फाइंड एनी वेयर, क्या होगा दोस्तों, मुझे कहीं भर वो नहीं मिली, यानी क्या होगा, एनी वेयर होगा दोस्तों। देखिए एवरी वेयर मतलब दोस्तों जो प्रत्येक जगह हो, ठीक है, सम वेयर दोस्तों जो कुछ जगह मिलता हो, वेयर एवर दोस्तों क्या होता है, जो कभी कदार हो, यानी वेयर एवर की बात अगर हम लोग करें, जिसका मतलब है दोस्तों जो कभी कदार कहीं पर हो, जो कुछ स्थान पर हो, यानी क्या हो जाए, एनी वेयर दोस्तों मुझे कहीं नहीं मिली दोस्तों। राइट हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बेहतर तरीके से आ रही होंगी दोस्तों। बहुत ही जल्द आपकी क्लासेस दोस्तों मैं लैपटॉप पर शिफ्ट करने वाला हूँ, और जरूरत पड़ी दोस्तों मैं स्टूडियो को अभी इंतजाम करो दोस्तों आपके चार्जमैन के एग्जाम के पहले दोस्तों, जब आपका एग्जाम होने वाला होगा उसके पहले दोस्तों काफी मैराथन वगैरह मैं स्टूडियो में भी लगाने की कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें दोस्तों, आपके साथ दोस्तों एकदम दिल से तन्मयता के साथ जुड़ रहा हूं। बीच में दोस्तों कभी आपकी कोई क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होंगी, आपके साथ एकदम 100% जुड़े रहेंगे। आपको नोट्स वगैरह जो दे रहे उसको पढ़ते रहिएगा, आप लोग अच्छे से ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कॉन्टेन अ ग्रामेटिकल एरर, दोस्तों आपको यहां पर बताना है किस पार्ट में दोस्तों हमारा कोई ग्रामेटिकल एरर है, आपको यहां पर पहचानना है। दोस्तों अगर हम लोग यहां पर बात करें, देखिए आपको यहां पर क्या दिया है, सी कैपेबल टू डू बेटर, सी लैक्स कॉन्फिडेंस। आप यहां पर देखिएगा सी लैक्स कॉन्फिडेंस। अगर दोस्तों हम लोग यहां पर बात करें क्या हमारा सही आएगा, किसमें ग्रामेटिकल एरर दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, आप लोग यहां पर समझेंगे कैपेबल ऑफ डूइंग, दोस्तों आप देखिएगा यहां पर कैपेबल, दोस्तों आप कैपेबल समझिए, कैपेबल ऑफ डूइंग यानी समथिंग का यूज उचित होगा, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, यानी देखो देखो ये आप लोग इसको समझने का बेटर का यूज किया जाना चाहिए था। आपको बताएं दोस्तों जो यहां पर देखिए बेटर दिया गया है, बट सी लैक कॉन्फिडेंस, यानी इसको इस तरीके से समझिए दोस्तों, एग्जेक्टिव कैपेबल के बाद इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता है दोस्तों, यानी क्या कह सकते हैं आप कि जब भी दोस्तों जो कैपेबल हमारा है ये हमारा क्या है, एग्जेक्टिव है, और एग्जेक्टिव के बाद दोस्तों क्या होता है, जो टू दिया है दोस्तों ये टू हमारा क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, आप लोग चिंता ना करिएगा, पूरा एक एक बच्चे को समझा दूंगा। कैपेबल हमारा क्या है यहाँ पर, एग्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये हमारा क्या है, एग्जेक्टिव है, और एग्जेक्टिव के बाद दोस्तों जो टू हमारा आया इन्फिनेटिव, दोस्तों इन्फिनेटिव का यूज क्या होता है, किसके बाद, एग्जेक्टिव के बाद, इन्फिनेटिव का यूज नहीं किया जाता है। अतः क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो कैपेबल ऑफ क्या हो जाएगा, डू बेहतर, या कैपेबल ऑफ डूइंग बेहतर दोस्तों हमारा हो जाएगा, यानी हमारा एरर किस में दोस्तों, ए में, यानी हमारा हम लोग बात कर सकते हैं दोस्तों कैपेबल टू डू बेटर, यानी दोस्तों यहाँ पर हम लोग टू डू बेटर, जो पर आपका टू लिखा है ये दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑफ का यूज होगा, कैपेबल ऑफ डू बेटर या कैपेबल ऑफ डूइंग बेटर दोस्तों, यानी डू यानी टू और डू नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, कैपेबल ऑफ डूइंग बेटर। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को चीज़ें बेहतर तरीके से आ गई होंगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों यहाँ पर राइट है। और देखिए मैं आप लोगों से कहूँ, जितने भाई दोस्तों अभी तक पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए आप लोगों की दोस्तों इंग्लिश की प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दिया दोस्तों, कल से आपका, देखिए परसों भी मैंने बोला था कल से, लेकिन आपका नहीं हो पाया दोस्तों, अब धीरे धीरे करके मैं आपका प्रीवियस ईयर दोस्तों जो क्वेश्चन हैं जीके के पूछे हुए उसको भी स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों, यूट्यूब पर भी करवाऊंगा, पेड वालों के दोस्तों पेड का अलग होगा, जो वीडियो मेरे से हो पाएगा उनको मैं वीकली दूंगा, किस तरीके से दूंगा वो मैं डिजाइन कर रहा हूँ दोस्तों, पीडीएफ वगैरह मैंने उनको प्रिपेयर करवा के दे रहा हूँ दोस्तों, पीडीएफ आपको फ्री में नहीं मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ प्रिपेयर करवाने में 1250 के आसपास क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी समय लगा है, और जो दोस्तों टीम काम करती है दोस्तों उनको भी कुछ चाहिए होता है, ठीक है, बिना फ्री में कोई काम नहीं करता है, ठीक है ना, तो इसलिए जो है दोस्तों जो पीडीएफ वगैरह वो आपको तो पेड में मिलेगा, लेकिन जो दोस्तों इस तरीके की क्लासेस है, प्रैक्टिस सेट है या मैराथन दोस्तों, वो सबके लिए होगा, आप सभी लोग देख सकते हो दोस्तों। और आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों कोर्स मैंने लाया है दोस्तों, ऐसे जैसे आप लोग ये समझिएगा कि आप लोग जैसे बुक लेने जाते हो दोस्तों, बुक कभी अच्छी निकलती कभी अच्छी नहीं निकलती, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं 1250 क्वेश्चन दोस्तों किसी बुक में नहीं ढूंढने से मिलते हैं आपको, वो भी दोस्तों 199 रुपए में दोस्तों, आप लोग ले सकते हो दोस्तों, आपको बहुत फायदा होना है दोस्तों। आज के वीडियो में थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।